हिंदुस्तान में कहीं भी बम नहीं फट रहा है, नहीं तो आए दिन कहीं भी बम फट जाता था। हाँ, हमारे एक सरपंच यहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं, वो अखबार पंडित से डरते थे, वो एलसी से डरते थे, कहीं मेरे पीछे कोई बैग तो नहीं रखा है। आजकल वो अपना ही बैग टान के घूमते रहते हैं। हाँ, कि अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। हाँ, अब वो बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा काम किया 8 सालों में केजरीवाल ने, कोई काम वादा पूरा किया कि नहीं? क्या वादा पूरा किया? पहले वादा 7 साल में, उसके बाद ऐसा वादा किया, दारू पिला के सबको साफ कर दिया। ये क्यों किया? चाचा जी बोल रहे हैं कि इनका सब कुछ फ्री में हो गया है। अरे यार एक चीज बताओ, कौन सा किरायेदार का बिजली का बिल माफ है? ये लो, मैं कौन सा किरायेदार? अरे इनका अपना मकान है। हाँ, इनका अपना मकान है, किराए पे भाई। इन सब ये किरायेदारों से भी बिजली 10 रुपए यूनिट लेते होंगे। हाँ, 10 रुपए लगा ही नहीं है भाई साहब। एक मैटर देखा होगा आपने, मालिश वाला, वो हिंदुस्तान की सबसे तगड़ी मालिश, देश की सबसे बड़ी जेल के अंदर। इंद्र जैन आपके स्वास्थ्य मंत्री है? हमारे तो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है भाई साहब। अब सुनो, जो बंदा उसकी मालिश कर रहा था ना भाई, मैं आपको बताऊं वो कौन था। वो रेप के केस में 376 लगी पड़ी है एक ऐसे बंदे से, वो तेल की मालिश का सुन। डॉक्टर है वो? अरे भाई साहब, रेप केस लगा पड़ा। डॉक्टर हो चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, क्या रेप इन पे नहीं लगते क्या हमारे देश के?